हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ऑटो रिवाइव ट्रिक से। इसके लिए आपको सेंतोसा ब्रिज पे जाना होगा, लेकिन आपकी हेल्थ थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि जब आप जंप मारो तो आप एक ही जंप में नॉक हो जाओ। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने जंप मारा तो मैं नॉक हुआ। फिर उसके बाद आपको अपना डेटा जो है वो ऑफ करना है और फिर से ऑन कर देना है। जब आप नॉक होगे तो उसी टाइम आपको पानी की तरफ चलना है, और जब आप पानी की तरफ 2-3 कदम चलोगे तो आप खुद ही रिवाइव हो जाओगे, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। लेकिन ये जो रिवाइव है ये आपको खाली कुछ सेकंड के लिए मिलेगा। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, मैं लगभग 5-10 सेकंड के लिए रिवाइव हो गया हूँ और फिर मैं फिर से नॉक हो जाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, आप इसे अपने टीममेट के साथ ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आज की ट्रिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी स्काई विंग है उसको आप इनविजिबल कैसे कर सकते हो। गाइस, जब भी आप कभी इजेक्ट करोगे बीमा शक्ति पे, क्योंकि बहुत सारे बंदे बीमा शक्ति पे उतरते हैं, वो भी एक रश प्लेस है, तो आपको जो अपना स्काई विंग है वो आपको बीमा शक्ति के टावर से आपको थोड़ा सा टच करवाना है। और जब आपका स्काई विंग टावर से टच करेगा तो आपका जो पैराशूट है वो खुल जाएगा, लेकिन वो इनविजिबल रहेगा। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, मेरा जो पैराशूट है वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया है। इसको आप मैप में कहीं पे भी कर सकते हो, जहां भी आपको ऊंची बिल्डिंग दिखेगी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, जो कि इनविजिबल लैंडमाइन की ट्रिक है। इसके लिए आपको केप टाउन जाना होगा। केप टाउन में आपको यहां पे सड़क पे जो गटर पॉइंट है वहीं पे आना होगा, और यहां पे जब आप लैंडमाइन लगाओगे तो वो लैंडमाइन जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो लैंडमाइन लगाया है वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गई है। मैं स्कोप से भी कोशिश कर रहा हूँ उसको देखने की, लेकिन वो स्कोप से भी स्पॉट मुझे नहीं हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।